हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार, अपने चैनल कैप्टन अनिल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने यूट्यूब की ही बात करूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आप देख लो कि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे थंबनेल ला रहे हैं कि बस शर्मसार हो जाने को दिल करता है, जबकि YouTube के गाइडलाइन के अनुसार ये सब मना है। मैं आपको ये सारे थंबनेल दिखाऊंगा तो नहीं, क्योंकि आप लोग खुद होशियार हो और ये सब थंबनेल देखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पर्दे वाली चीज़ है वो पर्दे में रहे तो अच्छा है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर ये ओपन किया जाए तो उन्हें व्यूज़ मिलेंगे, लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, गाली भी तो देते हैं। तो क्या अपने आप को नाम पैदा करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है क्या? कुछ टाइम इंतज़ार नहीं कर सकते जब लोग धीरे धीरे आपको जानने लगे? क्या आज वीडियो डाला और कल लोग पूरा दुनिया जानना ज़रूरी है? क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो जितना तेज भागता है वो इतना तेज ही गिरता है। अगर संभल कर और धीरे धीरे चलेंगे तो दूर तक जाएंगे, अन्यथा दिवाली के रॉकेट के जैसा 2 मिनट भी नहीं लगता है जाके फूटने में। तो जब YouTube ने गाइडलाइन चालू की है, कुछ ऐसे गाइडलाइन दी है जिसके अनुसार वीडियो अपलोड ना करें, लोगों को एक सामाजिक तबके में रहने की सलाह जब ये दे रहा है, तो क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो? मत करो ना। कुछ थंबनेल ऐसे होते हैं जिसको देखकर लगता है कि ओह, ये किस मानसिकता का इंसान हो सकता है। मगर कोई बात नहीं, ये पूरे दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गलत मानसिकता वाले हैं, लेकिन है तो आखिर वो इंसान ही। हो सकता है वो कुछ ट्रबल में हो, कुछ प्रॉब्लम में हो, उनको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड हो, फेम की नीड हो, जिसके वजह से कुछ गलतियां करने में हिचकते भी नहीं। मगर क्या ये सही है? या पूरी ज़िंदगी 4 दिन की ही है? 4 दिन में ही सब ख़त्म होने वाला है? 4 दिन और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते? इंतज़ार कीजिए, आपको भी लोग जानेंगे, आपको भी लोग लाइक करेंगे। बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनको लाइक करना ही नहीं बनता है, मगर वो आज उनके व्यूज़ आते हैं मिलियन में। अब के भी आएंगे अगर सही हो तो। मगर आपको मालूम है ना कि आज के डेट में जो मोबाइल है वो बच्चे लोग भी पकड़ रहे हैं, और बच्चे लोग के सामने अगर ऐसे ऐसे थंबनेल खुले तो आप अपने ही बच्चों को किस दिशा में लेके जा रहे हो? ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं होती क्या? पैसे आपको इतनी अजीज है कि अपने ही पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे हो? क्यों? लेकिन मगर फिर भी मैं कौन होता हूँ आपको बोलने वाला? आपकी विवेक बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं जाओगे तो मैं कितना जगाऊँ, और मैं ही क्यों जगाऊँ? क्या ज़रूरत है? और मेरे बोलने से आप क्यों जागो? बिल्कुल ही मत जागो। जो दिल में आए करो, मगर टाइम आपकी भी आएगी, बच्चे आपके भी तो होंगे,
आपके भी घर में तो YouTube देखी जा रही है ना, कहाँ बचोगे आप? और आपके बनाए हुए वीडियो जो है आपके बच्चे ना देख रहे हो, आपके घर परिवार नहीं देख रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ही नहीं। करो, आपकी पीढ़ी भी वही तो मिलेगी, जो आपने बोया वही वो आपको काटना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं, इसीलिए मैं एक दोस्त के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रास्ता बदलिए, विचार बदलिए, आशा बदलिए, सब कुछ संभव है। क्योंकि हम लोग ज्योतिष में बात भी करते हैं कि जो किस्मत में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो किस्मत में है उसे पाने की कोशिश भी मत करो। गलती से अगर वो आपके हाथ लग भी गई तो कहीं ना कहीं जाकर वो कटेगी, और कटेगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों, अच्छे काम करें, अच्छे लोगों का साथ रखें, और मिलकर एक अच्छी दुनिया बनाएं यार, बस हो गया। आज उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े जिनके पास पैसे ना हो, मगर ये गलती कहीं ना कहीं हमको ही भारी पड़ेगी। इसलिए कम से कम ये जो रास्ता है YouTube की, उसे कृपया साफ सुथरा रखें, क्योंकि यहाँ पे ज्ञानी ध्यानी और तरह तरह के लोग आते हैं। कहने का मतलब ये है, हर तरह के लोग आते हैं, मगर मैं उन लोगों की हमेशा बात करूंगा जो इस मंच को गंदा करने में लगे हैं, तो कृपया गंदा ना करें, और सबसे दोस्ती बना के रखें। तो मैं अब ज़्यादा बोलूँगा नहीं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।